कल मणिपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इम्फाल में रैली को करेंगे संबोधित। मणिपुर के कोरकॉम समूह ने मोदी की रैली के बहिष्कार का किया आह्वान। कोरकॉम समूह ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का किया ऐलान। कहा जब तक प्रधानमंत्री वापस न लौट जाए तब तक रहेगा लॉकडाउन। मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा हादसा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में IED ब्लास्ट। चुनाव ड्यूटी पर तैनात ITBP के 2 जवान घायल। यूपी चुनाव में वार पलटवार का दौर जारी। हरदोई में पीएम मोदी ने साइकिल को आतंकवादियों से जोड़कर की अपमानजनक टिप्पणी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को बनाया स्टार प्रचारक। बाकी बचे 4 चरणों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। उन्नाव में मृत मिली लड़की के परिवार से मिली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका ने उठाए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल। बोली वे सहायता नहीं न्याय चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 2024 पर फोकस। बीजेपी को हराने के लिए ममता ने 10 मार्च को दिल्ली में बुलाई बैठक। नेशनल वर्किंग कमेटी की दूसरी बैठक। कांग्रेस से अब तक नहीं किया संपर्क। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद मचा बवाल। शिवमोगा शहर और आसपास के इलाकों में 23 फरवरी तक धारा 144 लागू। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। बिहार के हाजीपुर में जेल प्रशासन की अमानवीय और शर्मनाक करतूत आई सामने। जेल प्रशासन ने मरे हुए कैदी को हथकड़ियों में बांध कर पहुँचाया अस्पताल। परिवार को बताया जिंदा है कैदी। भारत में नीचे जा रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों में 16,051 नए केस आए सामने। वहीं 206 लोगों ने गवाई जान। पिछले 24 घंटों में 37,901 लोगों ने कोरोना को हराया। कल से फिर बदलेगा मौसम। कल से दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट।